प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। इस घर में बहुत संकट आ गई थी, बहुत कुछ हो गया, अब फिर से कुछ न हो इसलिए मैंने शांति हवन रखा है। मैं तेरी मां नहीं हूं, घर में ही मैंने इसे जहर पिला दिया था। मां आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? रितेश, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? और तुम्हारी मॉम कहाँ गायब है? पता नहीं मॉम का, कल से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन नॉट रीचेबल है और टेंशन हो रही है उनके लिए, पता नहीं कहाँ पर है। प्रथम हमें यहाँ से निकलना होगा और वहाँ जाना होगा। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस महामारी ने न जाने कितने लोगों की जान ली, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस मॉल्स सिनेमा हॉल्स सब पहले की तरह खुल चुके हैं। देश के सारे मंदिर भी खुलने वाले हैं। अब हमारा देश इस भयानक महामारी से मुक्त हो चुका है। एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं, प्रथा ने मुझे जहर से कैसे बचाया? क्योंकि जहर पीने के बाद तो इंसान मर जाता है। और वो कलश, माँ किस कलश की बात कर रही थी? क्या प्रथा उस कलश के बारे में कुछ जानती है? ओह गॉड, इतने सवाल, जवाब एक नहीं। आई कांट बिलीव एक रात में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। प्रथा तो इसी कमरे की तरफ आई थी, तो एकदम से कहां गायब हो गई? ये मैंने क्या देखा? सांप की पूंछ। आप दोनों ने जो नामुमकिन मकसद पूरा किया है, उसे पूरा करने के बारे में शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। इस देश को, इस देश की मिट्टी को, सबको आपने जो महामारी से मुक्त कराया, इन असुरों का विनाश किया है। आज अगर हमारा पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है, तो आप दोनों ने वो सांसें दी हैं। इस देश को नया जीवन दान दिया है आप दोनों ने शेष नागिन। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप चौंक क्यों गए? प्रोफेसर साहब बताइए ना। इस देश से खतरा तो टल गया, लेकिन एक अनदेखा अनजाना खतरा आपकी तरफ आ रहा है। नहीं, मतलब? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितना बड़ा जिसके बारे में ना तो मैं देख सकता हूँ और ना आप दोनों सोच सकते हैं, आपको सतर्क रहना है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता और ना ही कोई खतरा मुझे छू सकता है जब तक ऋषभ जी मेरे साथ है। सुनो, मैंने सुना है ऋषभ भाई को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। नो वेज, भाई तो फिर बहुत बिजी हो जाएंगे। अब इतना कुछ हुआ है तो एक छोटा ब्रेक तो बनता ही है ना। नाइस आइडिया, हमको ना भाई और भाभी के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, डेट प्लान करते हैं। अरे डेट वेट नहीं यार, तुझे पता है ना
डेटिंग ना फिर पूरी फैमिली की डेटिंग हो जाएगी। भाभी ना फैमिली के बिना कहीं बाहर नहीं जाती, तो इससे बेटर होगा कि हम उन्हें घर में अकेला छोड़ देते हैं और हम सब बाहर चले जाते हैं। उन दोनों की डेटिंग घर में और हम सब बाहर, ग्रेट आइडिया। मैं बस खाना बना लेती हूँ। भाभी मुझे कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया तो मैं तो जा रही हूँ। हिना तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। भाभी मैं ना घर में बहुत बोर हो जाती हूँ तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग के लिए जा रही हूँ, ठीक है? ऋषभ के पापा और मैं मंदिर जा रहे हैं, आज जगराता है ना मंदिर में। पुनीत तुम भी चलो हमारे साथ, राधा को माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे चलो चलो, आप सबको भी पार्टी में जाना था, चलो 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 सब खड़े हो जाओ, चलो। अरे लेट्स गो। कमाल है, सब एक साथ ही घर के बाहर जा रहे हैं। कोइंसिडेंस भाई, वैसे आप दोनों तो घर पे हो ना, तो भाभी आप भाई के लिए कोई सुपर डिनर प्लान करना। और हाँ भाभी आप लोग ना टीपी करो, आई मीन टाइम पास। बाय बाय। मैं खाना बना लेती। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक सरप्राइज तो मैंने हमारे लिए भी प्लान किया। अच्छा तो ये सब घर वालों को बाहर भेजने का आपका प्लान था? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, पर सरप्राइज है क्या? मैं खाना तो बना लूं। सरप्राइज तो यही है ना, कैंडल लाइट डिनर। अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। ये प्रथा एकदम से कहां चली गई? अभी लाइट ऑन होने से पहले तो यही थी, कहां चली गई? प्रथा मैं यहां हूं। प्रथा माँ, ये आप क्या कर रही है? माँ छोड़िए प्रथा को। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। माँ प्लीज, माँ मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए प्रथा को। इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तहस नहस कर दी इसने, मेरा घर मेरा परिवार मेरे रिश्ते सब कुछ छीन लिया इसने मुझसे, मेरी जिंदगी मेरी हस्ती मेरा वजूद सब कुछ इसने मिट्टी में मिला दिया। और तू मुझसे कह रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं? इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। आप ऐसी तो नहीं थी ना एकदम, क्या हो गया आपको अचानक? मां नहीं, वहीं रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो ये जो छुरा है ना वो इसके गले के आर पार हो जाएगा। मां मां देखिए हम आराम से बैठ के बात करेंगे। मां अब प्लीज पहले प्रथा को छोड़िए। तुझे क्या पता, ये लड़की जो है ना इसने बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है, इसलिए अब उस राज का पर्दाफाश होगा ही होगा। कैसा राज? मैं क्या बोल रही है? राज है, तू नहीं जानता, बहुत बड़ा राज है और ये राज तेरे सामने आज खुलेगा। अब क्या करूं ऋषभ, मैंने तुझे अपना बेटा माना है ना, तो एक बाप अपने बेटे के सामने ये राज छुपाकर कैसे रख सकती है? आज ये राज तुम्हारे सामने खुलकर ही रहेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले और ये सच्चाई जानने के बाद तू पागल हो जाएगा, सन रह जाएगा, क्योंकि ये जो तेरी पत्नी है ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये नागिन है, इच्छाधारी नागिन, शेष नागिन है ये। माँ ये आप क्या कह रही हैं? यकीन नहीं आ रहा ना तुझे? सुन सुन नागिन,
आई मीन शेष नागिन, अब तुम्हारे सामने बस दो ही रास्ते हैं, या तो तू अपने असली रूप में आ जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। शेष नागिन है ना तू, मसीहा, इतने असुरों को तूने मार दिया तो क्या इस छुरी से तू डर जाएगी? ना 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 नागिन, आ जा अपने असली रूप में, आ जा, दिखा दे इसको वो रास क्या है, या फिर मैं तेरी जान निकालूंगी। माफ 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 प्लीज, पहले पहले चाकू हटाइए, माफ, उसका खून निकल रहा है। नहीं माफ प्लीज, नहीं हटाऊंगी, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, तो इस राज के साथ मैं इसे आबाद कैसे रहने दूंगी। चल आजा अपने असली रूप में, बता दे वो सच क्या है, बता। माँ, ऐसा कुछ नहीं, आप प्लीज पहले चाकू उठाइए उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, सुन नागिन, आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ बता, बता वो सच क्या है, बता वो राज क्या है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मॉम, डॉक्टर, अब माँ कैसी हैं? देखिए इनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये कोमा में चली गई। कोमा में? डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बचेंगी भी या नहीं, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, हमें इन्हें हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर प्लीज प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट, मेरी माँ किसी भी हालत में ठीक हो जानी चाहिए, प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया है, तो माँ ही ना, उनके साथ कुछ बुरा हो तो ये नहीं देख सकता। हेलो रेखा, मुझे तुम्हें ऋषभ के बारे में कुछ बताना है। हाँ कहिए ना। ऋषभ के अतीत का, उसके बचपन का एक राज तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो राज तुम्हें पता चले। प्रथा माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये पुराना राज किसी भी तरह प्रथा को बताना है, बताना बहुत जरूरी है।
अब के हाथ से मैं दूध तो क्या जहर भी पी लूंगा। तो पी ले। मैं तेरी मां नहीं हूं। प्रथा, तुम जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बहुत नफरत करता था मैं तुमसे। इनफैक्ट मुझे लगा था तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जो मेरी फैमिली में कोई इंफॉर्मेशन लेने आई है, दुश्मन देश के साथ मिली हो। पर कितना गलत था ना मैं। सच कहूं तो मैं भी आपके बारे में ऐसा ही सोचती थी। मुझे भी लगता था कि आप कुछ सीक्रेट काम ही कर रहे हैं और ये आर्मी ऑफिसर बस एक दिखावा था। दिखावा ही तो था। मुझे तो लगता था सिर्फ मुझे तुम्हारा चेहरा पढ़ना आता है। तुमने तो मेरा चेहरा भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना सारा सच बता दूंगा प्रथा, क्योंकि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक नई जिंदगी की शुरुआत तभी होती है जब लाइफ पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ विश्वास होता है। तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं, एक आर्मी ऑफिसर तो मैं हूं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं देश का एक अंडरकवर एजेंट भी हूं। इसलिए मैं तुम पर इतना शक करता था प्रथा, और इसलिए मैंने तुमसे शादी भी की, क्योंकि मुझे तुम पर नजर रखनी थी। I'm really sorry, पर देखो ना मैं कितना गलत था। देखते ही देखते कब मेरी नजरों में तुम्हारे लिए इतना प्यार आ गया मुझे खुद नहीं पता चला। प्रथा, अब हमारे बीच में कोई झूठ, तुम्हें मेरा सच पता है। And I promise you, प्रथा, कि आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जो मैं हूं वो तुम्हारे सामने हूं, और जो तुम हो वो मेरे सामने। ऋषभ, तुमने तो मुझे अपना राज बता दिया। काश कि मैं भी तुम्हें अपना राज बता पाती कि मैं एक नागिन हूँ। जो भी तुमने मेरी फैमिली के लिए किया है प्रथा, उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है। इसलिए मैं तुमसे थैंक यू नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम नहीं तो मेरी फैमिली में बहुत ही कमी आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात है। ये शर्माया, ये झुकी झुकी नजरें, लगता है जीजू ने कुछ ज्यादा ही। प्रथा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जो बचपन से तुम्हारे अरमान थे वो आज पूरे हुए। जो तेरी चाह थी एक सच्चे प्यार की तुझे मिल गई। लेकिन प्रथा, तुम्हारी एक और भी ख्वाहिश थी कि तुम अपने सच्चे प्यार के साथ एक साधारण सी जिंदगी जियो जो शायद पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम शेष नागिन हो और तुम्हें अभी और भी बहुत से काम करने हैं जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। जानती हो दीदी, अब भी बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए आपके पास आई हूँ आपको बताने की मैं ऋषभ जी को अपना सच बताने जा रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो प्रथा। दीदी, मैं एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं हूँ, ऋषभ जी है, हमारा प्यार है, हमारे प्यार की निशानी है, एक साधारण जिंदगी। और एक ऐसा रिश्ता सिर्फ तभी फलता है जब इस रिश्ते में विश्वास हो, इस रिश्ते में कोई राज ना हो। और मेरे रिश्ते में सिर्फ एक ही राज है, ये कि मैं शेष नागिन हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये शेष नागिन की जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मैं शिव जी के इस वरदान को त्यागना चाहती हूँ। क्या? हाँ दीदी, मैं सब कुछ त्याग दूंगी। आपको याद है मैंने आपको बताया था ना, मैं एक फरिश्ते से मिली थी, उसने मुझे ये किताब दी थी। ये देखिए, इस किताब में लिखा है कि केदारनाथ के मंदिर में पूर्णमासी की रात को अगर पूरी रात सच्चे मन से शिव जी की साधना आराधना करे तो वो शेष नागिन की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, उससे उसकी शक्तियां वापस ले लेते हैं।
क्या तुम पागल हो गए प्रथा? तुम पूजा अर्चना करके अपनी शक्तियां वापस दे सकती हो, तुम दे भी दोगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अपनी शक्तियां वापस दे दी तो वो तुम्हें जिंदगी में वापस कभी नहीं मिलेंगी, और तुम कभी शेष नागिन नहीं बन सकती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक साधारण इंसान बन के रह जाओगी। मैं जानती हूँ दीदी, और यही तो मैं चाहती हूँ, एक साधारण जिंदगी ऋषभ जी के साथ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और जहाँ प्यार होता है वहाँ राज नहीं होता, और जहाँ राज होता है वहाँ प्यार नहीं होता, इसीलिए। और अगर मैं ऋषभ जी को ये नहीं बता सकती कि मैं शेष नागिन हूँ, तो मैं ऐसी ज़िंदगी कभी जी नहीं पाऊँगी। तो अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, एक ये कि मैं ऋषभ जी को बता दूँ कि मैं शेष नागिन हूँ, या दूसरा मैं अपने शेष नागिन के वरदान को त्याग दूँ। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तुम्हें याद है प्रोफेसर ने क्या कहा था? प्रथा, तेरी तरफ एक अनदेखा अनजाना सा खतरा बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्तियां नहीं रही तो तुम उस अनजाने खतरे से कैसे लड़ोगी? शिव के वरदान को तुम इतनी आसानी से त्याग दोगी? ऋषभ जी का प्यार ही मेरे लिए शिव जी का वरदान है, और मैं उनके प्यार के साथ ही जीना चाहती हूँ। लेकिन प्रथा, तेरा सच जाने के बाद भी और तेरी शक्तियां त्यागने के बाद भी अगर ऋषभ ने तुझे नहीं अपनाया तो तू शक्तियां भी खो देगी और ऋषभ को भी। दीदी, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, और जो किस्मत में लिखा है उसे ना आप बदल सकती है ना मैं। कल पूर्णमासी की रात है, कल पूरे चांद की आधी रात को जब चांद की चांदनी लाल होगी, मैं अपनी शक्तियां त्याग दूंगी। पता है प्रथा का है? मुझे उसे मिलना है, उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। चंदम्मा को ऐसी भी कौन सी जरूरी बात करनी है प्रथा से? अच्छा, क्या बात? वैसे तो प्रथा ने सारी मुसीबतों को दूर कर दिया, असुरों को भी मार दिया, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, उसके बारे में उसका जानना बहुत जरूरी है। कैसे, किसके बारे में? ऋषभ के जन्म के बारे में मुझे उससे बात करनी है। चंदम्मा, प्रथा भी थोड़ी टेंशन में, वो उसको सुलझा रही है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं ये बात सिर्फ प्रथा को ही बताऊंगी। ऋषभ के जन्म के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो चंदम्मा सिर्फ प्रथा को बताना चाहती है? पर क्यों? मॉम, मुझे नहीं लगता सीमा आंटी अब कभी भी कोमा से बाहर आएगी। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है मॉम, और ये सब उस प्रथा की वजह से हो रहा है। लेकिन मॉम, ऋषभ अब भी प्रथा के पीछे पागल है, और मैं सबसे बड़ी पागल हूँ जो अभी ऋषभ के सपने देख रही हूँ मॉम। रीम, फॉरगेट ऋषभ, तुम्हारी शादी रितेश से हुई है, मूव ऑन विद हिम। ऋषभ से तेरा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। मॉम, ये आप क्या बोल रही है? आपको पता है ना मैंने क्या क्या खिलवाड़ किया अपनी जिंदगी के साथ ऋषभ के लिए, और ये सब मॉम ये प्रथा की वजह से हो रहा है, और प्रथा ने मेरी लाइफ बर्बाद कर रखी है मॉम। I'm just praying कि भगवान उसकी लाइफ भी ऐसे ही बर्बाद कर दे जैसे उसने मेरी लाइफ बर्बाद किया है मॉम। I just wish एक दिन ऐसे आए जब ऋषभ उससे इतनी नफरत करने लगे कि उस नफरत की आग में वो जल जाए। खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचा भी तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। प्रथा मेरी छोटी बहन जैसी है, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ा सा भी बर्बादी का ख्याल भी आया ना, तो कसम से छोड़ूंगी नहीं तुझे, बर्बाद करके रख दूंगी। कल मैं अपनी शक्तियां त्याग दूंगी, हे शिवजी वरदान दो कि उसके बाद ऋषभ मुझे अपनी जिंदगी में अपने साथ रखे, मुझे मेरा प्यार मिले।
कल से मेरी आर्मी की ड्यूटी फिर से शुरू होने वाली है। उसके बाद दिन रात बस काम काम। हमारे पास बस आज ही की रात है जब हम एक दूसरे के साथ हैं। ऋषभ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? कल पूर्णमासी की लाल चांद की रात है और ये रात 100 साल में एक बार आती है। कल के चांद की चांदनी लाल होगी और कल रात मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो? और करने से पहले मुझे आपको बताना है। क्या बताना है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। तो बताओ। जो मैं वो तुम्हारे सामने, जो तुम हो वो मेरे सामने। ऋषभ जी का प्यार ही मेरे लिए शिव जी का वरदान है और मैं उनके प्यार के साथ ही जीना चाहती हूँ। ये प्रथा, ये किताब कैसी है? ये कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे मैं बस। नहीं 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 प्रथा, ये किताब क्या है प्रथा? ऐसा क्या लिखा है इसमें? क्यों छुपा रही हो मुझसे? मुझे जानना है इस किताब में है क्या। ये प्रथा तो इसी कमरे की तरफ आई थी तो एकदम से कहां गायब हो गई? उस दिन जब मैं तुम्हारे पीछे आया था, तुम कमरे में आई थी, उस दिन भी तुम एकदम से गायब हो गई थी। कहां चली गई थी तुम? और वो कलश जिसके पीछे सीमा माँ पड़ी थी, उसके बारे में भी तुम जानती थी? कैसे जानती थी? इनफैक्ट मेरी असली माँ के बारे में भी तुम जानती थी। क्या बात है, कोई सीक्रेट एजेंट हो क्या? जो बातें मुझे समझ नहीं आती वो तुम्हें ऑलरेडी पता होती हैं। ऐसा क्या लिखा है इस किताब में? सी आई नो के सीमा माँ हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहती और एक बार नहीं कई बार मुझे मारने की कोशिश भी कर चुकी है। और वो सीमा माँ टेरेस पे क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में, कि तुम एक नागिन? क्या कहना चाहती थी वो? हाँ बोलो बोलो प्रथा, ऐसी क्या बात थी जो सीमा माँ मुझे बताना चाहती थी? क्या कहना चाहती थी वो? ऋषभ जी, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। देखो, तुम्हारा सारा सच मुझे ऑलरेडी पता है प्रथा, अब तुम अपने मुंह से बता दो या तो फिर मैं। ऋषभ जी, मेरा कोई सच नहीं है और जो है उसे बस बहुत जल्द मैं बदलने वाली हूँ। शेष नागिन का जीवन क्योंकि ये जो तेरी पत्नी है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये नागिन है। ये मैंने क्या देखा? सांप की पूंछ। ऋषभ जी, ये किताब मुझे आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ये क्या है? हाँ? अब सच सच बताओ, कौन हो तुम?
ये क्या लिखा है इस किताब में? लो कौन हो तुम? तुम सच में एक नागिन हो? इतने वक्त से तुम मुझे धोखा दे रही थी, झूठ बोल रही थी मुझसे, हाँ? कौन हो तुम? प्रथा, अगर तुमने मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि कौन हो तुम? मैंने नागिन से शादी की है मैंने, हाँ? झूठ बोला तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा दिया है तुमने मुझे। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। यू अंडरस्टैंड? ऋषभ जी, प्लीज सुनिए तो। ऋषभ,